हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम को एक अप्सरा ने क्यों दिया था श्राप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा ऐसा है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। यह किस्सा जुड़ा हुआ है सुग्रीव के भाई बलि का वध करने से। देवराज इंद्र का पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली या बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़पकर उसको राज्य से बाहर धकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इसी दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को तीन तरह की शिक्षा दी थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह है कि उसके साथ कब और कहां और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया यह जानकर उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली के द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, उसके द्वारा हो गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।